इंडिया आज एक फ्री कंट्री है पर ये बात सभी जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी कई सालों तक चली ये लड़ाई आसान नहीं थी पर फिर भी लोग लड़े और जीते भी कभी भी हार नहीं माना और लड़ते रहे तब तक लड़े जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन लोगों को हमेशा दिल में जिंदा रखें और उन्हें याद करते रहें आज तेईस जनवरी है यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वैसे तो इन लोगों को याद करने के लिए कोई स्पेसिफिक दिन की जरूरत नहीं होती है पर अगर किसी का जन्मदिन हो और उसे याद कर लिया जाए तो दिन और खास बन जाता है नमस्ते मैं हूं अंकिता आपके साथ और आप देख रहे हैं ए बी पी पॉडकास्ट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये स्लोगन तो आपको याद ही होगा बचपन में ये स्लोगन पढ़ा था और तब से यू ही जुबान पर चढ़ा हुआ है ये स्लोगन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था आज उनकी वन बर्थ एनिवर्सरी पर हम लेकर आए हैं उनसे जुड़े पांच लेसर नोन फैक्ट्स सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट नंबर फाइव की नेताजी एक बहुत अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट थे डिस्पाइट क्रैकिंग इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे ही वॉज नोन टू बी द एडिटर ऑफ फॉरवर्ड न्यूज़ पेपर विच वॉज इंट्रोड्यूस टू हिम बाय हिजमेंट और चितरंजन दास स्वराज एक और ऐसा न्यूज़पेपर है जिसे नेताजी ने ही शुरू किया था 1935 में नेताजी की एक किताब द इंडियन स्ट्रगल भी पब्लिश हुई थी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फैक्ट नंबर फोर की आजाद हिंद रेडियो एक रेडियो सर्विस था स्टार्टेड बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इन 1942 इन जर्मनी और उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट अपने फुल स्विंग में था इनिशियली इट वॉज बेस्ड बेस इन जर्मनी बट इट्स इट लेटर शिफ्टेड टू तो सिंगापुर एंड लेटर रंगून ये रेडियो स्टेशन जर्मनी की रेडियो सर्विस के लिए शुरू हुआ था फर्स्ट ऑन जनवरी It was widespread German-funded operation. The the programs were meant to show solidarity with Indians living living abroad as well as well those living in the same subcontinent. स आते थे जो कि इंग्लिश गुजराती मराठी बंगाली पाश्तो तमिल पर्सियन और तेलुगु में हुआ करते थे नाउ इट्स अबाउट फैक्ट नंबर थ्री ये बात सब जानते हैं कि बोस को गांधी की अहिंसा वाली बात कुछ खास पसंद नहीं थी दोज believed दैट Gandhi's tactics ऑफ नॉन वायलेंस वुड नेवर बी sufficient टू secure इंडिपेंडेंस एंड एडवोकेटेड violent resistance. <laughs> वो अपनी बात पर कायम थे और इस वजह से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1921 टू 1941 ही वॉज इन 11 टाइम्स जी हाँ 11 बार जेल गए थे वो वैसे गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उनसे डिफरेंट जरूर थी पर उसके बाद भी वो महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे एंड दैट शोज़ हाउ ही रिस्पेक्ट्स एवरी वन हुर फाइटिंग फॉर द नेशन ही वॉज अ टू पैट्रियट फॉर श्योर बढ़ते हैं फैक्ट नंबर टू की तरफ ऐसा कहा जाता है कि जब नेताजी वो स्पेंडिंग इज टाइम इन जर्मनी गैदरिंग सपोर्ट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम ही मैरिड एमिली शेंकल हु वॉज एन ऑस्ट्रियन वुमेन वो उनको तब मिली थी वैन ही वॉज राइटिंग हज बुक द इंडियन स्ट्रगल एंड उनकी एक बेटी भी है अनिता बोस हु इज़ अ फेमस जर्मन इकॉनमिस्ट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने शादी जरूर की थी बट इज़ वाइफ नेवर विजिटेड इंडिया एंड इट्स टाइम फॉर फैक्ट नंबर वन नाउ इट हैज बिन मोर देन 70 इयर्स सिंस नेताजी पास्ड अवे पर उनकी डेथ अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है देर आर फ्यू थ्योरीज अबाउट हिज डेथ हर साल 18 अगस्त को उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है पर उनकी डेथ आज तक एक मिस्ट्री है अकॉर्डिंग टू सम सिग्निफिकेंट बायोग्राफर्स नेताजी डायड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइहोकू जो कि अभी जापानीज ताइवान है ऑन दैट डे इन 1945 और कुछ सालों तक ये भी रूमर था कि वो कुछ वक्त तक उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में रहे थे रीजन चाहे जो भी हो वी नो दैट वी लॉस्ट अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर द कंट्री विल ऑलवेज हिज हिस्सिफाइस तो ये थे फाइव लेसर फैक्ट्स अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज के लिए इतना ही मिलेंगे कल ओनली ऑन ए पे लाइव पॉडकास्ट तब तक आप अपना ध्यान रखिए ग्रेट डे